नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि विद्युत की खोज किसने की। तो थेल्स यंग जो हैं, इन्होंने विद्युत की खोज की है। हम लोग अक्सर बुक में देखते हैं कि विद्युत की खोज थेल्स यंग ने की है। तो जो थेल्स यंग हैं, उन्होंने घर्षण विद्युत के बारे में खोज की। तो जो हमारे थेल्स यंग हैं, यह ईसा मसीह के जन्म के लगभग 2500 ईसा पूर्व, कब तो ईसा मसीह के जन्म के 2500 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विद्युत की खोज की थी। इन्होंने क्या बताया था, तो थेल्स यंग ने बताया था कि जब हम कांच के टुकड़े को ऊनी वस्त्रों से रगड़ते हैं तो कांच का टुकड़ा ऊनी वस्त्रों के छोटे टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित करता है। क्यों करता है, इसके बारे में बताने में वो असफल रहे और ये जब खोज थी वो वहीं पर रुक गई। उसके बाद कई वर्षों बाद 1650 में डॉक्टर गिलबर्ट आए, जिन्होंने यह बताया कि ऊनी वस्त्रों के अलावा और भी पदार्थ हैं जिन्हें कांच के द्वारा रगड़ा जाता है, तो उनके अंदर अन्य वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बचपन में हम लोग पेन या पेंसिल जो होता है उसको बालों में लेकर रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद जब कांच या जब हम लोग कागज के टुकड़े के पास लाते हैं तो जो कागज का जो टुकड़ा होता है वो पेन या पेंसिल के नोक से आकर्षित होने लगता है। तो जो हमारे अध्यापक गिलबर्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि ऊन के अलावा और भी पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, मगर क्यों होते हैं इसके बारे में बताने में वो असफल रहे। उसके बाद आए थॉमस क्राउन 1750 ईस्वी में, इन्होंने इस गुण को वैद्युतिक शब्द दिया। ये गुण क्या है, क्यों आकर्षित करता है, उसके बारे में बताने में यह असफल रहे। उसके बाद वैज्ञानिक आए अगले का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के फलस्वरूप जो घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण के कारण उन वस्तुओं पर एक प्रकार का आवेश आ जाता है, और जिस आवेश के कारण वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ आ गई। उसके बाद आपके अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कूलम्ब। क्या नाम था, कूलम्ब। तो कूलम्ब ने बताया कि जो आवेश होते हैं यह दो प्रकार के, एक धन आवेश होता है, एक आपका ऋण आवेश होता है। और दूसरा चीज क्या बताया कि जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की बहुलता हो जाती है, दूसरे पदार्थ पर जो है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जैसे हम कांच के टुकड़े को किसी ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं तो जो कांच का टुकड़ा होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो कांच का टुकड़ा हो जाता है धन आवेशित, और जो ऊनी वस्त्र है वह हो जाता है ऋण आवेशित। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो ऋण आवेशित वस्तु होगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी कि प्रोटॉन की बहुलता ज्यादा होगी उस पदार्थ को हम कहते हैं धन आवेशित। क्लियर। अब उन्होंने क्या बताया कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और दो असमान के बीच क्या होता है, आकर्षण। यानी कि दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। जैसे नॉर्थ और आपका साउथ होगा तो इसके बीच आकर्षण बल काम करेगा, यदि यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ हो जाएगा या साउथ साउथ हो जाएगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। बात समझ आ गई। तो हमारे जो कूलम्ब नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, तो एक धन आवेशित और ऋण आवेशित, और साथ में बताया कि दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है और असमान आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है, इसीलिए आवेश का मात्रक कूलम्ब रख दिया गया। उसके बाद अगले वैज्ञानिक हमारे आए एम्पियर। कौन आए, एम्पियर। एम्पियर ने बताया कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के फलस्वरूप उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वे अपने स्थान को त्यागते हैं, अपने स्थान को छोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप एक जो वस्तु होती है धन आवेशित हो जाती है और एक वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके कारण उनके अंदर किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यदि यह इलेक्ट्रॉन है, यदि यह इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में से लगातार स्थानांतरित हो यानी कि प्रवाहित हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई तार हो गया और इस तार को लेकर के हम क्या करते हैं, किसी अन्य तार से रगड़ते हैं, क्या करते हैं, किसी अन्य तार से रगड़ते हैं या मैग्नेटिक क्षेत्र में मूव कराते हैं या इस
पॉइंट हम क्या करते हैं, आग के द्वारा गर्म करते हैं। क्या करते हैं? आग के द्वारा गर्म करते हैं। तो जब हम आग के द्वारा गर्म करेंगे या मैग्नेटिक एरिया में से मूव कराएंगे या यहाँ पर क्या करेंगे, हम रगड़ करके गर्म करेंगे, तो उस क्रम में ये जो तार का जो पॉइंट है, इस तार के पॉइंट से इलेक्ट्रॉन जो है अपना स्थान क्या करेगा, छोड़ना चालू करेगा, यानी कि अपना स्थान से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने स्थान से यह चलना शुरू कर देगा। तो यदि तार में से इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रवाहित करता है, लगातार प्रवाहित करता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम कहते हैं विद्युत, क्या कहते हैं, जब विद्युत धारा कहेंगे और इसके कारण जो उत्पन्न होगा ऊर्जा, ऊर्जा को हम कहेंगे विद्युत। बात समझ में आ गई? तो विद्युत क्या है? तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। बात समझ में आ गई? उत्पन्न कैसे होता है? तो जब हम किसी पदार्थ को लेकर के, जैसा कि हमारे पास कॉपर हो गया, यानी कौन सा पदार्थ, चालकीय पदार्थ, तो जब हम लोग चालकीय पदार्थ को लेकर के गर्म करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा कटवाते हैं या केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो जो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उस तार में का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह गतिमान हो जाता है और गतिमान होकर के प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और वहां पर ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हम लोग विद्युत कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार हमारा अल्टरनेटर या जनरेटर विद्युत को उत्पन्न करता है।